डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम असाइनमेंट प्रॉब्लम में देखेंगे नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम। ओके, सबसे पहले ये प्रॉब्लम समझते हैं। यहाँ पे तीन जॉब्स दी हुई है, ए बी एंड सी, और चार एम्प्लॉइज है, 1, 2, 3 एंड 4। और ये जो पे ऑफ मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका मीनिंग क्या है कि अगर एम्प्लॉई 1 जॉब ए करेगा तो उसकी कॉस्ट होगी 110 रुपीज, अगर वो जॉब बी करेगा तो उसकी कॉस्ट होगी 140 रुपीज, अगर वो जॉब सी करेगा तो उसकी कॉस्ट होगी 60 रुपीज। सेम वैसे ही एम्प्लॉइज 2, 3 एंड 4 अगर ये जॉब्स ए बी एंड सी कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट हमें इस मैट्रिक्स में दी हुई है। और हमें ऐसा बोला है कि हमें इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करना है कि हर एक एम्प्लॉई को एक जॉब हमें देनी है और ये जो इसकी कॉस्ट आ रही है वो मिनिमम से मिनिमम आए। ठीक है, तो अभी हम इस असाइनमेंट प्रॉब्लम में हंगेरियन मेथड अप्लाई करेंगे। चलो हंगेरियन मेथड देखते हैं। स्टेप 1, टेस्ट फॉर द स्क्वायरनेस ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि नंबर ऑफ जॉब्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एम्प्लॉइज होने चाहिए। ठीक है, अभी हमें पता है कि असाइनमेंट प्रॉब्लम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही हम हंगेरियन मेथड का यूज कर सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ जॉब इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एम्प्लॉई होना चाहिए। यहाँ पे तीन जॉब है और चार एम्प्लॉइज है, यानी कि ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, यानी कि ये अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसे स्क्वायर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे चार रोज है और तीन कॉलम है, तो हम क्या करेंगे, एक कॉलम ऐड कर देंगे, उसे हम बोलेंगे डमी कॉलम। ओके, सो हमारा नया मैट्रिक्स होगा ए बी सी डी 1, 2, 3, 4। ये मैट्रिक्स मैं लिख देता हूं 110, 140, 60, 80, 100, 110, 90, 120, 70, 100, 130, 80। ओके, अभी ये जो डमी कॉलम है उसमें जो हम एंट्रीज लिखेंगे वो एंट्रीज हमें उस तरह से लिखनी है कि ये जो पे ऑफ मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसकी जो कॉस्ट आ रही है उसमें कोई चेंज ना आए, यानी कि हम यहाँ पे एंट्री क्या लिखेंगे, 0। ओके, तो यहाँ पे एंट्री डमी कॉलम हो या डमी रो हो, हमें हमेशा एंट्री क्या करनी है, 0। ओके, अभी ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया तो हम हंगेरियन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टेप 2, रिड्यूस द कॉस्ट मैट्रिक्स। उसमें पार्ट 1 हमें क्या करना है, हर एक रो में से मिनिमम वैल्यू एलिमेंट हमें फाइंड करना है। ओके, हर एक रो में से मिनिमम वैल्यू एलिमेंट फाइंड करना है और फिर उसको सभी एलिमेंट में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, तो देखो हर एक रो यानी कि चार रो है, हमें सीक्वेंस कौन सी लेनी है, टॉप टू बॉटम। तो फर्स्ट रो देखते हैं तो उसमें 1, 0 है, वही मिनिमम वैल्यू एलिमेंट है, तो हम क्या करेंगे, 0 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये एलिमेंट्स वही के वही रहेंगे। सेकेंड में भी 0 ही है तो 0 को माइनस करेंगे तो वही का वही एलिमेंट रहेगा। फिर थर्ड रो में सबसे लीस्ट एलिमेंट है 0, 0 को माइनस करते हैं तो फिर से वही एलिमेंट्स मिलेंगे। फोर्थ रो में भी 0 ही सबसे लीस्ट एलिमेंट है, यानी उसे माइनस करेंगे तो मैट्रिक्स वही का वही रहेगा। अभी ऐसा हो रहा है तो हमें फिर से यहाँ पे उसी मैट्रिक्स को लिखने की जरूरत नहीं है। अभी स्टेप 2 में पार्ट 2, फाइंड मिनिमम वैल्यू एलिमेंट फ्रॉम ईच कॉलम, और फिर हमें बाकी के एलिमेंट और उस पर्टिकुलर एलिमेंट से उसे सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, तो अभी देखते हैं, फर्स्ट कॉलम जो है उसमें लीस्ट एलिमेंट कौन सा है, 80, तो 80 को हम सभी एलिमेंट में से माइनस कर देते हैं, सो 110 माइनस
80, तो यहां पे होगा 30. 80 माइनस 80 0, 90 माइनस 80 10, 100 माइनस 80 20. ओके, अभी देखते हैं सेकेंड कॉलम. सेकेंड कॉलम में सबसे लिस्ट एलिमेंट कौन सा है? 100. तो 100 में 100 को हम सभी एलिमेंट में से माइनस कर देते हैं. सो 140 माइनस 100 यानी 40, 100 माइनस 100 0, 120 माइनस 100 20, 130 माइनस 100 30. ओके, थर्ड कॉलम में सबसे लिस्ट एलिमेंट कौन सा है? 60. तो 60 को हम माइनस कर देते हैं. 60 माइनस 60 0, 110 माइनस 60 50, 70 माइनस 60 10, 80 माइनस 60 20. और फोर्थ कॉलम 0 एज इट इज. ओके, जब ये स्टेप टू कंप्लीट होगा तब हमारे पास हर एक रो और हर एक कॉलम में मिनिमम एक जीरो होगा. ठीक है, हर एक रो और हर एक कॉलम में मिनिमम एक जीरो होगा ही. तो देखते हैं, देखो फर्स्ट रो में है, सेकेंड में भी है, थर्ड में भी है और फोर्थ में भी है. ओके, कॉलम वाइज देखते हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो सभी जगह पे जीरो होगा ही. ओके, स्टेप थ्री, हमें सीक्वेंस लेनी है टॉप टू बॉटम रो के लिए. यानी कि हम रो कैसे देखेंगे? टॉप टू बॉटम. उसमें अगर सिंगल जीरो मिल रहा है तो उसे हम असाइन कर देंगे. अगर एक से ज्यादा जीरो मिल रहा है तो उसे हम स्किप कर देंगे. ओके, ये भी दो पार्ट में होगा. सेकेंड पार्ट में हमें सीक्वेंस लेनी है लेफ्ट टू राइट फोर कॉलम. सेम यही चीज करनी है कि अगर सिंगल जीरो दिखे तो उसे हम असाइन कर देंगे, अगर एक से ज्यादा जीरो दिखे तो उसे हम स्किप कर देंगे. अभी देखो स्टेप थ्री और स्टेप फोर ये दोनों साथ में करने हैं. यानी कि स्टेप फोर में हमें क्या करना है कि असाइन रो एंड कॉलम में अगर कोई दूसरा जीरो दिखे तो उसे हम कैंसिल कर देंगे. ओके, असाइन रो और कॉलम में अगर दूसरा जीरो दिखे तो उसे हम कैंसिल कर देंगे. तो चलो अभी हम असाइनमेंट करना स्टार्ट करते हैं. सीक्वेंस लेनी है टॉप टू बॉटम. तो फर्स्ट रो देखते हैं, फर्स्ट रो में कितने जीरो है? दो जीरो है. एक से ज्यादा जीरो होता है उसे स्किप कर देंगे. तो फर्स्ट रो स्किप. सेकेंड रो में तीन जीरो है वो भी स्किप. थर्ड रो में एक जीरो है तो उसे हम असाइन कर देंगे. ठीक है, फोर्थ रो में एक जीरो है लेकिन स्टेप फोर के हिसाब से ऑलरेडी असाइन रो और कॉलम में अगर जीरो मिलता है तो उसे हम कैंसिल कर देते हैं. तो देखो ये कॉलम, देखो वहां पे ऑलरेडी असाइनमेंट हो चुका है तो उसे हम कैंसिल कर देंगे. ठीक है, तो रो वाला पार्ट समझ में आया. अभी कॉलम वाला करते हैं. लेफ्ट टू राइट देखना है. तो देखो फर्स्ट कॉलम में एक जीरो है उसे हम असाइन कर देते हैं. सेकेंड कॉलम में एक ही जीरो है लेकिन उस पर्टिकुलर रो में ऑलरेडी असाइनमेंट हो चुका है तो स्टेप फोर के हिसाब से इस जीरो को हम कैंसिल कर देंगे. ओके, थर्ड कॉलम में एक ही जीरो है तो उसे हम असाइन कर देते हैं. फोर्थ कॉलम में ऑलरेडी असाइनमेंट हो चुका है तो इन दोनों जीरो को हम कैंसिल कर देते हैं. ठीक है, अभी स्टेप थ्री और फोर करने के बाद अगर हमें हर एक रो और हर एक कॉलम में एक असाइनमेंट मिल रहा है तो वही हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है. लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है, यानी कि हर एक रो और कॉलम में एक असाइनमेंट नहीं मिल रहा है, तो हमें आगे कुछ प्रोसीजर करनी पड़ेगी ताकि हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिले. तो चलो चेक करते हैं. यहाँ पे फर्स्ट रो में असाइनमेंट है, सेकेंड रो में असाइनमेंट है, थर्ड रो में असाइनमेंट है लेकिन फोर्थ रो में असाइनमेंट नहीं है. ओके,
कॉलम वाइज देखते हैं, फर्स्ट कॉलम, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम में असाइनमेंट है, लेकिन सेकेंड कॉलम में असाइनमेंट नहीं है, यानी कि ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है, हमें आगे कुछ प्रोसीजर करनी पड़ेगी। तो चलो वो स्टार्ट करते हैं। स्टेप फाइव, हमें क्या करना है, रो मार्क करनी है जहां पे असाइनमेंट नहीं है। ओके, जहां भी असाइनमेंट नहीं है ऐसी रो मार्क करनी है। तो देखो फोर्थ रो में असाइनमेंट नहीं है तो उसे मार्क कर दिया, उसे मैं बोल देता हूं पार्ट वन। सेकेंड पार्ट में हमें कॉलम मार्क करनी है, लेकिन कैसी कॉलम, ये जो ऑलरेडी मार्क रो है उसमें जहां पे कैंसल किया हुआ जीरो है ऐसे कॉलम को हमें मार्क करना है। तो ये फोर्थ रो में कैंसल किया हुआ जीरो फोर्थ कॉलम में है तो उसे हम मार्क कर देते हैं, इसे मैं बोल देता हूं पार्ट टू। फिर से हमें क्या करना है, रो मार्क करनी है, कौन सी रो, ये जो मार्क कॉलम है उसमें जहां पे असाइनमेंट है ऐसी रो हमें मार्क करनी है। ओके, मार्क कॉलम में जहां पे असाइनमेंट है वैसी रो मार्क करनी है। तो देखो ये मार्क कॉलम और ये थर्ड रो में असाइनमेंट है तो इसे मैंने मार्क कर दिया, इसे मैं थर्ड पार्ट बोल देता हूं। ओके, ये स्टेप फाइव में फिर से रिपीट करता हूं, हमें क्या करना है, जहां भी असाइनमेंट नहीं है उस रो को मार्क करना है। ओके, फिर उसी रो में जहां भी कैंसिल किया हुआ जीरो है उस कॉलम को मार्क करना है। ठीक है, उसके बाद ये मार्क किए हुए कॉलम में जहां पे असाइनमेंट है उस रो को मार्क करना है। ओके, उसके बाद स्टेप सिक्स, अभी हम क्या करेंगे, अनमार्क रो और मार्क कॉलम इन दोनों पर हम लाइन बना देंगे। ठीक है, अनमार्क रो कौन सी है, फर्स्ट एंड सेकंड, तो लाइन बना दी। ओके, मार्क कॉलम कौन सा है, फोर्थ, तो हमने लाइन बना दी। अभी जिन एलिमेंट्स पर लाइन बनी है उसे हम बोलेंगे कवर्ड एलिमेंट्स। ओके, और जिन पर लाइन नहीं बनी है ऐसे एलिमेंट्स को बोलेंगे अनकवर्ड एलिमेंट्स। ये हमने कैसे फाइंड किया कि अनमार्क रो पर लाइन बनानी है और मार्क कॉलम पर लाइन बनानी है। ठीक है, उसके बाद स्टेप सेवन, हमें क्या फाइंड करना है, मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट। ओके, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें से मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट हमें फाइंड करना है। तो कौन सा है, देखो 10 20 10 20 30 20, तो 10 मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट है तो हमें वो एलिमेंट लेना है। और फिर क्या करना है, बाकी के जो अनकवर्ड एलिमेंट है उसमें से हम उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, फिर जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है वहां हम उसे ऐड कर देंगे। इंटरसेक्शन मीनिंग कि देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है, वो जहां भी इंटरसेक्ट हो रही है वहां पे जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वहां हम इस टेन को ऐड कर देंगे। ठीक है, और सिंगल लाइन है जो भी कवर्ड एलिमेंट्स है उसमें जहां पे सिंगल लाइन है यानी कि इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है वहां पे हम कोई चेंज नहीं करेंगे, वो एलिमेंट वैसे के वैसे ही रहेंगे। फिर से मैं करता हूं ये कि मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट फाइंड करो, बाकी के अनकवर्ड एलिमेंट में से उसे माइनस कर दो, उसके बाद जहां भी इंटरसेक्शन हो रहा है वहां पे हम उसे ऐड कर देंगे, और ये जो कवर्ड एलिमेंट्स है जहां पे सिंगल लाइन है उसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो नया मैट्रिक्स बनाते हैं। देखो 30 40 एंड 0 सिंगल लाइन है वहां पे कुछ चेंज नहीं होगा,
ओके okay? ये जो जीरो है वहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है, तो वहां पे हम 10 ऐड कर देंगे तो 10 आ जाएगा। फिर यहां पे 0 0 एंड 50 सिंगल लाइन है, कोई चेंज नहीं होगा। सो 0 0 एंड 50, ये जो जीरो है वहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है, तो वहां पे हम 10 ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर 10 20 एंड 10, उसमें से हम 10 को माइनस कर देंगे क्योंकि वो अनकवर्ड एलिमेंट है। सो 10 माइनस 10 0, 20 माइनस 10 10, 10 माइनस 10 0। अभी ये जो 0 है वहां पे सिंगल लाइन है, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। 20 30 एंड 20 अनकवर्ड एलिमेंट है, तो उसमें से हम 10 माइनस कर देंगे। सो 20 माइनस 10 10, 30 माइनस 10 20, 20 माइनस 10 10, ओके। और ये जो 0 है उस पर सिंगल लाइन है, तो उसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, जो स्टेप 3 और स्टेप 4 था वो हमें रिपीट करना है। वो स्टेप्स क्या थे हमारे, कि हमें सीक्वेंस लेनी है टॉप टू बॉटम रोज के लिए। अगर हमें सिंगल जीरो मिल रहा है तो उसे हम असाइन कर देंगे, अगर एक से ज्यादा जीरो मिल रहा है तो उस रो को हम स्किप कर देंगे। उसके बाद लेफ्ट टू राइट सीक्वेंस लेनी है कॉलम के लिए, सेम वही चीज करनी है कि अगर सिंगल जीरो मिल रहा है तो उसे हम असाइन कर देंगे, अगर एक से ज्यादा जीरो मिल रहा है तो उस कॉलम को हम स्किप कर देंगे। और उसके साथ स्टेप 4, वो हमें क्या याद रखना था कि ऑलरेडी असाइन रो या कॉलम में कोई जीरो दिख रहा है तो उसे हम कैंसिल कर देंगे। तो चलो वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रो में एक ही जीरो है तो उसे हम असाइन कर देते हैं। सेकेंड रो में दो जीरो है, स्किप। इसमें तीन जीरो है, स्किप। इसमें एक जीरो है, तो इसे हमने असाइन कर दिया, ठीक है। अभी ये कॉलम, फर्स्ट कॉलम उसमें दो जीरो है, स्किप। सेकेंड कॉलम उसमें एक जीरो है, तो उसे हमने असाइन कर दिया। थर्ड कॉलम में ऑलरेडी असाइन जीरो है, तो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ओके। फिर फोर्थ कॉलम में ऑलरेडी असाइन जीरो है, तो ये जीरो भी कैंसिल हो जाएगा। अभी फिर से रो वाइज करते हैं। फर्स्ट रो असाइन हो चुकी है, सेकंड रो भी असाइन हो चुकी है, लेकिन जीरो है तो उसे हम कैंसिल कर देंगे। थर्ड रो में एक जीरो बचा तो उसे हम असाइन कर देते हैं, ठीक है। अभी हमें फिर से क्या चेक करना है कि क्या हर एक रो और कॉलम में एक असाइन किया हुआ जीरो है या नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है तो वो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो यही प्रोसीजर हमें फिर से रिपीट करनी है, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो एंड फोर्थ रो सभी जगह पे असाइनमेंट है। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम यहाँ भी है, यानी कि यही हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। अभी हमें क्या करना है, इसकी कॉस्ट फाइंड करनी है। कॉस्ट हम कैसे फाइंड करेंगे, हमें देखना है कि हमें हमने किस एम्प्लॉई को कौन सी जॉब असाइन की है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं एम्प्लॉइज 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे मैं लिखता हूं जॉब्स। फर्स्ट को हमने सी वाली जॉब असाइन की है, सेकंड एम्प्लॉई को बी, थर्ड एम्प्लॉई को ए और फोर्थ एम्प्लॉई को डी, और उसकी कॉस्ट क्या आ रही है। तो वो देखने के लिए जो स्टार्टिंग वाला टेबल था वो हमें देखना है। स्टार्टिंग वाला टेबल ये है, और इसमें हमने क्या किया था, एक डमी कॉलम ऐड किया था और ये एंट्रीज क्या ली थी, जीरो, ओके। तो देखो, फर्स्ट एम्प्लॉय को जॉब सी असाइन किया, उसकी कॉस्ट है 60 रुपीज। सेकेंड को बी, उसकी कॉस्ट है 100 रुपीज। थर्ड को ए, उसकी कॉस्ट है 90 रुपीज। और फोर्थ को डी, उसकी कॉस्ट जीरो। अगर इसका हम समेशन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 250 रुपीज। तो ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, यानी कि इस सीक्वेंस में हमें एम्प्लॉइज को जॉब असाइन करनी है। आई होप ये मेथड आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।